सुल्तानपुर नाम के एक गांव में विमल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी विमला और बेटे विशाल के साथ रहता है। विमल अपनी बैलगाड़ी पर इधर से उधर सामान पहुंचने का काम करता है और अपनी आधी कमाई से बेटे को पढ़ाता है। मुश्किल हो रही है तो रोक देते हैं ना जी, जितनी पढ़ाई कर चुका है उतनी काफी है, की हुई पढ़ाई से जो काम कर सकता है वो कर लेगा लड़का। आज मुश्किल हो रही है कहकर पीछे हट जाएंगे तो बाद में हमें दुख और बच्चे को परेशानी होगी विमला, इसीलिए मुसीबत आए या मुश्किल हो बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ऐसे चाहे कुछ भी हो जाए, विमल अपने बेटे की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं। विशाल भी मन लगाकर पढ़ाई करता है और अच्छी नौकरी करके खूब पैसे कमाकर खुद का व्यापार शुरू करता है। आप भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट का ही काम करते थे, इसीलिए आपके सामान के लिए मैं भी ट्रांसपोर्ट का ही व्यापार शुरू किया है पिताजी। विमल को यहाँ तक अपने बेटे की बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद विशाल जो कहता है वो सुनकर विमल की खुशी गुस्से और अपमान में बदल जाती है। लेकिन मैं अपने काम पूरे मॉडर्न तरीके से करता हूँ, बड़ी और तेज भागने वाले गाड़ियों से। आपके बैल में ऐसा करने की एक प्रतिष्ठित उम्मीद भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि आजकल की प्लास्टिक और लोहे की गाड़ियाँ सड़ियों से चल रही हमारी बैलगाड़ियों से बेहतर है? ऐसे दोनों बाप बेटे की बहस बढ़ती जाती है। विशाल कहता है विमल के बैल एक साधारण बाइक को भी चुनौती देने लायक नहीं है, और विमल कहता है कि उसकी बाइक को एक बैल यूं ही हवा में उठाकर फेंक देगा। ऐसे उनकी बड़ी बड़ी आवाजें सुनकर विमला वहां पर आकर ऐसे कहती है, बस करो तुम दोनों बाप बेटे अपनी ये बेकार की बातें। बाइक अपनी जगह पर ठीक होगी और बैल उसकी जगह पर ठीक है, उन दोनों के लिए आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? ऐसे कहते हुए विमला कहती है कि गांव में उन दोनों बाप बेटे को देखकर उसके बाप बेटे सीख लेते हैं, उससे सीखने को कहता है लोग, और अब अगर ऐसे झगड़ते हुए देखेंगे तो वो सब क्या सोचेंगे। विमला की ये बात सुनकर दोनों बाप बेटों को एक और उपाय सोचता है, बैल या बाइक बेहतर है ये साबित करने के लिए। ये बात यहाँ पर खत्म होने वाली ही नहीं है। अपनी बाइक को जितना रिपेयर कर सकता है कर ले, और उसमें जितना तेल डाल सकता है डाल दे। दो दिन बाद गांव में हमारी बैल से तुम्हारी बाइक का मुकाबला होगा। आप भी अपने बैल को जितना घास डाल सकते हैं डाल दो, आखिरकार एक जीव ही तो है, थक जाएगा। उनकी बातें सुनकर सर पीटने लगती है विमला। घर की बात घर में खत्म करने की कोशिश करने पर दोनों बाप बेटे गांव में प्रतियोगिता करना चाह रहे हैं कहकर। ऐसे विमल गांव के बड़े लोगों को प्रतियोगिता के बारे में बताता है, और विशाल अपनी उम्र के लोगों को प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए फिरता है। अरे रंगा, मेरा बेटा का दिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पढ़ाई उसका सिर में इतना घुस गया है कि उसने जिंदगी में पहली बार मुझसे बहस की है, वो भी एक बैल से बाइक को बेहतर है कहकर। मेरे बेटा का भी यही कहना है विमल, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें, और हमारे जैसे सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। ठीक है कहकर विमल अपने ऑडियंस इकट्ठा करता है और विशाल अपनी ऑडियंस इकट्ठा करता है। ऐसे उनका चैलेंज स्टार्ट होता है। विशाल एक तरफ से रस्सी बांधकर, विमल दूसरी तरफ से अपने बैल को रस्सी बांधकर, दोनों बाप बेटे मिलकर बैल से बाइक को और बाइक से बैल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है।
ऐसे काफी देर तक चलता है, बैल थाने लगता है और बाइक का भी पेट्रोल खत्म होने लगता है। विशाल अपनी बाइक का पेट्रोल खत्म होने से तो बच नहीं पाता है, लेकिन विमल अपनी बातों से बैल का जोश बढ़ाकर उस चैलेंज में जीत जाता है। आखिरकार आपने साबित कर ही दिया है पिताजी, मैं गलत था और अब सही थे कहकर। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था बेटा, मैं तुम्हें बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि नए दौर से कुछ भी आने से पुराने दौर को भूल नहीं जाना चाहिए। नए चाहे जितने भी अच्छा क्यों ना हो, पुराने से हमेशा लगाव लगा ही रहता है। विशाल को अपने पिता की बात अच्छे से समझ में आती है। वो अपने पिता से माफी मांगकर ये बेहतर है वो बेहतर है कहे बिना चुपचाप अपना काम करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। तिरवनपुर नाम के एक गांव में नरसिंह नाम का एक बूढ़ा दूध का व्यापारी रहता है। नरसिंह के पास एक गाय है, उसके लिए वो गाय अपने पत्नी और बच्चों से भी बढ़कर है। गाय के खाने से पहले ना खाता, गाय के सोने से पहले सोता भी नहीं है। निम्मी, ये क्या कर रही हो तुम, वो भी मुझसे पूछे बिना? आपको आने में देर हो जाएगी सोचकर गाय को घास डाल रही थी जी, इसमें आपको पूछने जैसे क्या है? क्या तुमने इतने सालों में कभी भी मैंने घास को बिना पानी से साफ किए गाय को खिलाते हुए देखा है? क्या तुमने कभी भी घास को ऐसे नीचे फेंकते हुए देखा है? अगर तुम कुछ कर रही हो तो ये सब पूछना जरूरी है, हम भी तो साफ खाना खाते हैं ना। वहीं पर खड़े रहे तो और दो तीन घंटे का प्रवचन सुना देगा कहकर निम्मी माफी मांगकर वहां से चली जाती है और फिर कभी भी उस गाय को घास डालने का साहस नहीं करती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन ऐसे ही घर का सामान लेकर घर लौट रहे नरसिंह के सामने से बहुत तेजी से एक गाड़ी उसी की तरफ आ रही थी। उससे बचने के लिए नरसिंह सड़क के नीचे कूदता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि वहाँ पर एक कुआं है और डूब कर मर जाता है। 5 मिनट में आऊंगा कहकर गए थे, पता नहीं किस मनहूस गाड़ी में ये कहकर गए थे। ऐसे शाम से पहले नरसिंह का अंतिम संस्कार हो जाता है। निम्मी और गाय बहुत दुखी थे, लेकिन निम्मी का बेटा नरेश परेशान था। उसके पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आ गई है कहकर। मैं जाकर गाय को घास डालकर आती हूँ, वैसे भी कल से तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिताजी रखे थे। ऐसे कहते हुए निम्मी गाय को घास डालने के लिए जाती है, लेकिन वो गाय वहाँ पर नहीं थी। परेशान निम्मी आसपास की हर जगह पर देखती है, कहीं पर भी ना मिलने पर नरेश से कहती है। नरेश उसे गांव के हर कोने में ढूंढता है, लेकिन वो गाय उसे यहाँ मिलती है। ये गाय स्मशान घाट में क्या कर रही है, वो भी पिताजी के कब्र पर क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो कल से इसका दूध बिकना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कहते हुए नरेश उस गाय को घर लेकर जाता है और अगले दिन से अपने पिता की जगह पर वो दूध का व्यापार शुरू करता है। नरेश उसे कितनी बार घास डालने पर भी वो गाय नहीं खाती है, लेकिन निम्मी उसे घास डालते ही झट से खा लेती है। वो देखकर नरेश को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुम्हारे पिताजी इसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए तुम्हारे हर मनमानी को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। इसका मतलब
अब मुझे भी उसका वैसा ही ख्याल रखना होगा। हाँ बिल्कुल, वो तभी घास खाएगी और तभी दूध आएगा और तुम अच्छे से व्यापार कर पाओगे। नरेश ठीक है कहकर अपनी तरफ से आधी अधूरी कोशिश करता है, वो भी सिर्फ दूध के लिए, बाकी उसे गाय से कोई मतलब नहीं है। ऐसे नरेश को वो गाय हर रोज एक काम करके परेशान करने लगती है। ये आखिर बार है बता रहा हूँ, अगर तुम फिर से इस कब्रिस्तान में या पिताजी के कब्र के पास नजर आई तो ले जाकर कसाई को बेच कर आऊंगा। परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हें हर रोज यहाँ पर लेने के लिए आते आते। ऐसे कहते हुए नरेश उस गाय को खींच कर अपने साथ लेकर जा रहा था, तभी वो गाय गुस्से में आकर नरेश को उठाकर पटक देती है। वहाँ से गुजरने वाले कुछ गांव वाले वो देखकर नरेश को उस गाय से बचकर गाय को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर निम्मी आती है और पहले गाय से सबको दूर करके आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है ये पूछती है। तब एक गांव वाला, ये दुष्ट गाय तुम्हारे बेटे की जान ले लेती अगर हम यहाँ पर वक्त पर ना पहुँच जाते तो। ऐसे गाय का इस गांव में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ये बात सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है और मुझे नहीं लगता है कि गाय ने मेरे बेटे को पटक कर कोई गलत काम किया है। ऐसे कहते हुए निम्मी सबको बताती है कि नरसिंह उस गाय का कितना ख्याल रखता है और अब नरेश उस गाय के साथ कैसे बर्ताव कर रहा है कहकर। वो बात सुनकर गांव वाले भी ये उनके घर का आपसी मामला है कहकर वहाँ से चला जाता है। नरेश को भी मार खाने के बाद और अपनी माँ की बात सुनने के बाद अकल आती है और वो उस गाय का अच्छे से ख्याल रखते हुए खुद ही हर रोज नरसिंह के कब्र के पास कुछ देर बैठने के लिए गाय को लेकर आता है।